हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जेई मेन 2020 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 7 अप्रैल का शिफ्ट 1 का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे जो मॉर्निंग में हुआ था। ये मेमोरी बेस्ड पेपर है क्योंकि अब पेपर ऑनलाइन होता है तो पेपर किसी को दिया नहीं जाता है। तो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन हम लोग सारा डिस्कस करेंगे और इसको आप लोग देखिएगा कि हम मेरे लेक्चर से बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से मैच कर रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये एग्जैक्ट एग्जांपल हम हेलोजन फैमिली के टाइम बताए थे और पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी टॉपिक में बताए हैं कि 2p वर्सेस 3p का एक्सेप्शन होता है, मतलब क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है क्लोरीन से और ब्रोमीन आयोडीन का इन दोनों से कम होगा। एक्चुअली में नीचे जाने पे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी डिक्रीज करता है, लेकिन 2p वर्सेस 3p एक्सेप्शन में क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है क्लोरीन से, मतलब नीचे जाने पे डिक्रीज करेगा लेकिन क्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा क्लोरीन से। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन। तो ये वैल्यू किस में दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन 2 सबसे ज्यादा क्लोरीन 349, उसके बाद 333 क्लोरीन का, उसके बाद 325, फिर 296। ये माइनस साइन इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी में एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए निगेटिव साइन है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज क्लोरीन करेगा, उसके बाद क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन। ये हम पीरियोडिक टेबल में बता चुके हैं और हेलोजन फैमिली में भी बताए हैं। तो ये क्वेश्चन तो मेरे वीडियो लेक्चर से है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पूछ रहा है आयन आयन के बीच में, आयन डाइपोल के बीच में और डाइपोल डाइपोल के बीच में। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, केमिकल बॉन्डिंग का जो टॉपिक है इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसमें हम एग्जैक्ट बताए हैं कि आयन डाइपोल का ज्यादा होता है डाइपोल डाइपोल से। और ये तो आयोनिक बॉन्ड है, आयन और आयन के बीच में मतलब आयोनिक बॉन्ड, तो आयोनिक बॉन्ड में तो हमेशा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। तो सबसे ज्यादा आयन आयन के बीच में होगा, उसके बाद आयन डाइपोल और उसके बाद डाइपोल डाइपोल। तो ये सेकंड ऑप्शन होगा, आयन 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 डाइपोल फिर डाइपोल डाइपोल, फोर्थ ऑप्शन, सेकंड नहीं फोर्थ, क्योंकि सबसे ज्यादा आयन आयन के बीच में होगा, फिर आयन डाइपोल के बीच में और सबसे कम डाइपोल डाइपोल में इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। ये दोनों तो एग्जैक्ट हम ऑर्डर लिख दिए हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स वाले टॉपिक में, और आयोनिक बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स से अट्रैक्ट रहेगा ही, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियस ऑफ एजी इज सिमिलर टू। अब ये क्वेश्चन भी हम दो बार बताए हैं, एक बार पीरियोडिक टेबल में जब एटॉमिक रेडियस डिस्कस किए हैं और एक बार डी ब्लॉक एलिमेंट में जब डिस्कस किए हैं। तो दोनों टाइम बताए थे कि 4d और 5d का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है सेम ग्रुप में। तो सेम ग्रुप मतलब सिल्वर, तो सिल्वर कौन से ग्रुप में होगा, कॉपर के नीचे आता है सिल्वर और सिल्वर के नीचे आता है गोल्ड, तो 4d और 5d, तो सिल्वर और गोल्ड का साइज जो है लगभग सिमिलर होगा, सेम होगा, क्योंकि लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन हो जाता है, इसलिए 4d और 5d का एटॉमिक साइज सेम होता है। आप डिटेल में समझने के लिए मेरा पीरियोडिक टेबल का लेक्चर देख लीजिए एटॉमिक साइज वाला। तो ये वाला भी क्वेश्चन मेरे वीडियो लेक्चर से ही आया है। इसके बाद फोर्थ है, करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज। तो इसका करेक्ट IUPAC नेम बताना है। तो ये वाला हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में बताए हैं IUPAC नेमिंग करने के लिए। तो सबसे पहले तो देखना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। यदि पॉजिटिव चार्ज रहता है तो सेंट्रल एटम में कोई चेंजेस नहीं होता है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है तो पॉजिटिव चार्ज है तो प्लेटिनम का प्लेटिनम ही रहेगा, अगर निगेटिव चार्ज रहता तो प्लेटिनेट हो जाता, एट लग जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लेटिनम ही रहेगा। अब लिगेंड में अगर निगेटिव चार्ज रहता है तो सफिक्स ओ लगता है ई के जगह, तो क्लोराइड के जगह क्लोराइडो लगेगा, एमीन तो न्यूट्रल लिगेंड है तो कुछ नहीं चेंज होगा, ये भी इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। तो अब इसका नाम लिखना है, तो 2-amine है तो डाइएमीन होगा, क्लोराइडो होगा क्योंकि निगेटिव चार्ज है लिगेंड पे, डायमीन क्लोराइडो मिथाइल एमीन CH3NH2 मिथाइल एमीन,
उसके बाद प्लेटिनम, और प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो प्लेटिनम 2, और फिर क्लोराइड एज इट इज, तो प्लेटिनम 2 क्लोराइड, ये सेकंड ऑप्शन में है। डाइएमीन क्लोराइडो मिथाइल एमीन प्लेटिनम 2 क्लोराइड, तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। यदि आप मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर का यूपीएससी नेमिंग वाला लेक्चर देखे होंगे तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें हम बता चुके हैं कि आईयूपीएससी नेम कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन इज, तो मेटलर्जी में जहां पे हम आयरन का एक्सट्रैक्शन बताए हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, उसमें हम नोट में एक पॉइंट लिखाए थे कि रोट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो वहां से एग्जैक्ट ये वाला देखिए आ जाएगा कि रोट फॉर्म जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये सब इतना प्योर नहीं होता जितना कि रोट आयरन प्योर होता है, कास्ट आयरन पिग आयरन में ज्यादा इम्प्योरिटी रहता है। पिग आयरन तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जो वो फर्नेस रहता है रिवर्बेरेटरी फर्नेस, उससे जो ऑब्टेन होता है वो पिग आयरन ही रहता है, तो ये प्योर नहीं रहता है, इसको फर्दर प्यूरिफाई करते हैं कास्ट आयरन में, और सबसे ज्यादा प्योर होता है आपका रोट आयरन। कास्ट आयरन को भी फर्दर प्यूरिफाई करते हैं तब जाके आपका रोट आयरन बनता है, तो सबसे ज्यादा प्योर रोट आयरन होगा। ये वाला भी एग्जैक्ट वहीं से है, तो ये मेरे वीडियो लेक्चर से एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये वाला भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच थ्योरी कैन एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन NiCO4, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, बोल रहा है कि कौन सा थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन करेगा अच्छे से। तो देखिए MOT तो नहीं करेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में MOT का जिक्र भी नहीं था। अब यहाँ CFT, VVT और वर्नर्स थ्योरी में देखेंगे, तो वर्नर्स थ्योरी तो बॉन्डिंग का रिप्रेजेंटेशन था कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो अब बच गया CFT और VVT, तो VVT में भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तब जाके ये एक्सप्लेन करेगा इसके बॉन्डिंग को। ये पॉइंट हम बता चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि एक एडिशनल डाटा चाहिए, इसीलिए तो फर्दर CFT आया जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था, तो इसका आंसर होगा CFT। VVT के लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सबसे अच्छे से CFT एक्सप्लेन करेगा, तो इसका आंसर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2 एंड KO2, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, तो +1 वाला आंसर होगा, ये तो हम बिना देखे ही बोल देंगे। अब ये पॉइंट हम रिएक्शन प्रिडिक्शन के फर्स्ट पार्ट में बताए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के चार्ट में, वहां पे हम बताए हैं कि पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0 और +1 होता है। तो 0 तो जब ये एलिमेंटल स्टेट में रहेगा, जब पोटेशियम के फॉर्म में रहेगा तब ये 0 रहेगा, लेकिन जब भी कंपाउंड बनेगा तो पोटेशियम हमेशा +1 शो करेगा, हमेशा कोई भी कंपाउंड रहे, तो K2O हो, K2O2 हो, KO2 हो, मतलब ऑक्साइड, परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड हो, पोटेशियम तो हमेशा +1 में ही रहेगा, तो इसका आंसर 1 होगा। यदि आप मेरा रिएक्शन प्रिडिक्शन का पार्ट फर्स्ट का सोल्युबिलिटी चार्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट का चार्ट याद किए होंगे तो आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, क्योंकि पोटेशियम हमेशा 0 या +1, 0 तो हो नहीं सकता है, 0 में रहेगा तो ये कंपाउंड कैसे बनाएगा, तो +1 ही होगा, तो कुछ भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, तो ये भी एग्जैक्ट मेरे वीडियो लेक्चर से ही है। नेक्स्ट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इन CHCl3, CCl4 एंड CH4, तो CCl4 और CH4 का तो हम डाइपोल मोमेंट के टाइम बताए केमिकल बॉन्डिंग में कि दोनों का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि कार्बन से 4 क्लोरीन अटैच्ड है टेट्राहेड्रल पोजीशन पे। तो जिस तरह से यदि सेम मैग्नीट्यूड का 3 वेक्टर 120 डिग्री पे रहता है तो रिजल्टेंट वेक्टर का सम जो है 0 हो जाता है, सम ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ पे चारों सेम मैग्नीट्यूड का टेट्राहेड्रल पोजीशन पे है, तो रिजल्टेंट इस केस में भी 0 हो जाएगा, चारों एक दूसरे का कैंसिल आउट कर देगा। सिमिलरली CH4 में भी रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, लेकिन CHCl3 में 3 बॉन्ड तो सेम मैग्नीट्यूड का है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कार्बन और क्लोरीन से डिफरेंट होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा, मतलब सम डाइपोल मोमेंट तो इसमें एग्जिस्ट करेगा CHCl3 में, तो CHCl3 में कुछ तो है और CCl4 CH4 में 0 है, तो ये दोनों इक्वल और CHCl3 से कम, तो CHCl3 ग्रेटर देन CCl4 इक्वल टू CH4, कौन सा ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन, CHCl3 ज्यादा और ये दोनों का इक्वल, लेकिन इन दोनों से ज्यादा होगा इसका,
तो ये भी डाइपोल मोमेंट का टॉपिक यदि आप मेरा देखे होंगे तो उससे आप कर सकते हैं। और CCl4 और CH4 का तो एग्जैक्ट एग्जांपल हम बताएं कि दोनों इक्वल होता है और जीरो के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cl2 ऑन हीटिंग विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH गिव्स 2 क्लोरीन हैविंग प्रोडक्ट X एंड Y, ऑन ट्रीटमेंट विद AgNO3 X गिव्स प्रेसिपिटेट, डिटरमाइन एवरेज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड इन Y। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्लोरीन का रिएक्शन हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH से, तो ये आपको पता होना चाहिए। हम ये रिएक्शन दो जगह बताए हुए हैं, Cl2 प्लस NaOH हॉट एंड कंसंट्रेटेड रहता है NaOH, तो NaCl प्लस NaClO3 बनाता है, NaCl प्लस NaClO3, ये हम बताए हैं दो जगह। एक बार जब S ब्लॉक में NaOH का रिएक्शन बताए हैं, और एक बार जब Cl2 मतलब हेलोजन फैमिली में Cl2 का रिएक्शन बताए हैं, तो दो जगह एग्जैक्ट यही रिएक्शन बताए हैं। और यदि कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH रहता तो जाके आपका NaCl प्लस NaOCl बनता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। तो बस सिंपल जानिए कि बेसिक मीडियम में Cl2 डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस में, तो X प्लस Y निकल गया। अब X कौन सा है, Y कौन सा है, तो इसके लिए हमको दिया हुआ है कि ऑन ट्रीटमेंट विथ AgNO3, तो AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा, वो X होगा। तो AgNO3 के साथ NaCl प्रेसिपिटेट बना लेता है, NaCl प्लस AgNO3 से AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, क्योंकि AgCl इनसोल्युबल होता है। तो आपका बाई जो है NaClO3 है। तब बोल रहा है कि क्लोरीन और ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बताना है, मतलब ClO3 माइनस का एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बताना है, तो ClO3 माइनस का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बनेगा। तो सबसे पहले ClO3 माइनस का स्ट्रक्चर बना लीजिए, क्लोरीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O माइनस। तो अब इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बनेगा, तो या तो टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाइए, या फिर बॉन्ड ऑर्डर अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल रहता है तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा होता है, तो सिग्मा प्लस पाई कितना होगा, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड है 1 + 1 + 1, 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 + 1 2 पाई बॉन्ड है, तो टोटल 5 σ + π / σ बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड होगा 1 + 1 + 1 3, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 5/3, तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर 1.67 होगा क्लोरीन और ऑक्सीजन बॉन्ड का ClO3 माइनस में। अब जो है हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन मेरे वीडियो लेक्चर से एग्जैक्ट आ गया है। तो ये वाला क्वेश्चन का तो रिएक्शन वगैरह सब बता दिए, और केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर बताना भी मतलब निकालना भी सिखा दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये तो आया ही है, इसके बाद सेकंड CCl4 और CH4 का एग्जांपल बता दिए थे, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो ये वाला भी बन जाएगा। तो चलिए ये एग्जैक्ट में नहीं लेते हैं, ये एग्जैक्ट है, ये भी एग्जैक्ट है कि 0 और +1 होता है, तो दो क्वेश्चन हो गया। इसके बाद प्यूरिफिक एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के टाइम ये पॉइंट लिखे हैं कि रोट फॉर्म इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो रोट आयरन वाला भी एग्जैक्ट है, 3 क्वेश्चन। फिर IUPAC ने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करना सिखाए हैं, तो 4 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये पांचवा कि 4D और 5D सीरीज का एटॉमिक रेडियस लगभग सेम होता है, ये भी एग्जैक्ट है। और डाइपोल आयन और डाइपोल का ऑर्डर हम एग्जैक्ट लिखे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाले टॉपिक में, केमिकल बॉन्डिंग में इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला जो टॉपिक है वहां पे, तो और आयन का तो ज्यादा होगा ही, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये वाला भी बन जाएगा। ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी बन जाएगा, ये दोनों ऑर्डर एग्जैक्ट हम बताए हैं। तो और उसके बाद ये वाला नेक्स्ट कि क्लोरीन का ज्यादा होता है क्लोरीन से, फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन का ऑर्डर है, तो एग्जैक्ट 6 क्वेश्चन हो गया, ये 6ठा क्वेश्चन है। तो 8 में से 6 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट मेरे वीडियो लेक्चर से आया है, बाकी 2 हो जाएगा अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो, 100% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें।